हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अक्सर महिलाओं को प्रेगनेंसी प्लान करते समय एक प्रॉब्लम आती है और एक क्वेश्चन हमेशा उनके मन में उन्हें परेशानी देता रहता है, और वो क्वेश्चन है कि हमें रिलेशनशिप के बाद यानी आफ्टर रिलेशनशिप, आफ्टर इंटरकोर्स कितने वक्त तक लेटे रहना है, किस पोजीशन में लेटे रहना है ताकि सेल जल्द से जल्द एक से मीट कर सके और वो फर्टिलाइज्ड हो सके, देन हमें प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। और अगर सही इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है तो आप काफ़ी सारी परेशानियों से बच भी सकती हैं, क्योंकि आफ्टर इंटरकोर्स हमें काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, जनरली यूटीआई इन्फेक्शन जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, या फिर ईस्ट इन्फेक्शन होता है जो कि कॉमन जनरली महिलाओं को काफ़ी अधिक होता है, इसका रेशियो काफ़ी हाई है, और ऐसी परिस्थिति में कंसीव होना काफ़ी ज़्यादा जो है कम हो जाता है, मतलब कंसीव होने का चांस रेशियो बहुत ही डाउन चला जाता है। तो आप हेल्दी रहें, आपका शरीर हेल्दी रहे और आप जल्द से जल्द कंसीव करें, वही मेरा मोटिव है। इसीलिए छोटे छोटे पॉइंट्स को भी, छोटे छोटे टिप्स को भी आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए आपके लाइफ स्टाइल में, ताकि आप हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर सको। देखिए फ्रेंड्स, जनरल जो बॉडी के मैकेनिज्म है वो मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। जब हम ओवुलेशन के वक्त ट्राई करते हैं, ओवुलेशन एक मेन सोर्स होता है 100% नेचुरल कंसीव करने का, क्योंकि उसी समय एक जो है वो स्वस्थ एक बहुत ही अच्छा ग्रो किया हुआ वो हमारे फिलोपियन ट्यूब में आता है हमारी ओवरी से निकल के। जो जनरली अगर हेल्दी पीरियड साइकिल होती है महिलाओं की तो वो 11 टू 12 डेज में आता है पीरियड्स के बाद। जब वो ओवुलेशन का फेज बॉडी के अंदर स्टार्ट होता है महिलाओं के शरीर के अंदर, तब आप अगर इंटरकोर्स करते हैं तो प्रेगनेंसी रेशियो काफ़ी हाई हो जाती है। इस दौरान महिलाओं को हर एक दिन छोड़ करके रिलेशन में रहना चाहिए। रिलेशन बनाने के वक्त आपको जो सेटिस्फैक्ट्री ऑफ पोजीशन है उसी को यूज़ करना चाहिए, जिसमें आप कंफर्ट हो, आप हैप्पी रहें। देन उसके बाद फ्रेंड्स, जो सेल आपके शरीर के अंदर आते हैं जब आप इंटरकोर्स करते हैं, तो उसका जो अमाउंट होता है वो भारी रेशियो आपके बर्थ कैनाल में डिपॉजिट हो जाता है। जो सेल हैं वो काफ़ी हाईली मूवमेंट क्वालिटी को रखते हैं और मूवमेंट की कैपेसिटी बहुत तेज होती है, तो वो कुछ ही सेकेंड्स और मिनटों में आपके बर्थ कैनाल से आपके फिलोपियन ट्यूब में जाते हैं और एग को फर्टिलाइज्ड करने के लिए काफ़ी होते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, ये पूरा प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा जल्दी होता है, क्विक होता है, और इसमें कुछ सेकेंड्स या कुछ मिनटों का ही काम होता है, क्योंकि बहुत हाईली स्पीड होता है सेल का। लेकिन कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं इसके, वो रिमूव हो जाते हैं, जो कि वॉटरी टाइप के होते हैं, जिससे महिलाओं को भ्रम हो जाता है कि हमारा सेल रिमूव हो रहा है तो हम कंसीव कैसे हो पाएंगे, कंसीव कैसे कर सकेंगे। बट मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स कि ये जो अमाउंट होता है डिस्चार्ज का, जो कि काफ़ी वॉटरी होता है कंसिस्टेंसी में, ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ मटेरियल होता है जो हमारे सेल को लाइव रखने में और उसको मूव कराने में, आपके शरीर के अंदर एंटर कराने के लिए ही होता है। उसका केवल उतना ही काम है, बाकी वो पूरा ही बाहर चला जाता है। और ये जो सेल होते हैं वो लाइव होते हैं, वो मूवमेंट करते हैं, तो वो फिर अंदर तक चले जाते हैं। बेसिकली फ्रेंड्स, सेल को अंदर पहुंचने में लगभग 2 से 3 मिनट का ही वक्त लगता है, तो आपको इतने देर तक लेटे तो रहना ही है। लेकिन अगर आप इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं या फिर आप जल्द से जल्द कंसीवमेंट चाहते हैं, तो मैक्सिमम आपको 15 to 30 मिनट्स तक लेटे रहना चाहिए। देन उसके बाद आप कंप्लीटली फ्री हैं, उठिए, अपने काम पे जाइए, अपना जो काम है, रूटीन है, उसको स्टार्ट करिए। और एक काम उसके पहले करिए कि वॉशरूम जा करके अच्छे से हाइजीन मेंटेन करिए, क्लीनिंग प्रोसेस अच्छा वाटर से आपको करना है। नहीं करेंगी तो जो आपके सेल अंदर आए हैं, जो पार्टिकल अंदर आया है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उसमें काफ़ी सारे बैक्टीरिया भी होते हैं जो आपके ऊपरी लेयर में, नीचे अंगों में इन्फेक्शन दे सकते हैं, और ये इन्फेक्शन से इचिंग हो सकती है, ये इन्फेक्शन से आपको फीवर हो सकता है, आपके पीरियड डिस्टर्ब हो सकते हैं, और भी बहुत भारी कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ जाते हैं। तो हाइजीन मेंटेन करना आफ्टर 30 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि हमें किस करवट लेट के रहना है। देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें हैं।
अगर आपको ओवुलेशन के सिम्टम्स में लोअर एब्डोमिन में क्रैम्प होता है और उस क्रैम्प का अनुभव आप कर पाती हैं, जिसको हम ओवुलेशन सिम्टम्स, ओवुलेशन क्रैम्पिंग के बारे में नाम से जानते हैं, तो अगर वो क्रैम्प राइट हो रहा है या फिर लेफ्ट हो रहा है तो आप उसी करवट लेट के रहिए। अगर आपको ये चीज़ का पता नहीं लग रहा है कि ओवुलेशन क्रैम्पिंग होती है, बाय द वे कुछ महिलाओं को ओवुलेशन के क्रैम्प्स नहीं होते हैं, तो वैसी कंडीशन में आपको जिस करवट में ज़्यादा अच्छा लगे, ज़्यादा ईजी हो, उसी करवट लेट के रहिए, या फिर लेग अप द बॉल पोजीशन कर सकती हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा घबराना, टेंशन लेना नहीं है। आप अगर सीधी लेटी भी रहेंगी तो भी आपका काम हो जाएगा, बिकॉज जैसा कि मैंने बताया कि सेल में कैपेसिटी होती है मूवमेंट की, तो वो एक तक पहुंच जाता है। उसके लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ओवुलेशन को ट्रैक करना बेहद इंपॉर्टेंट है कंसीव करने के लिए फटाफट से। तो ओवुलेशन सिम्टम्स को समझिए, ओवुलेशन कैलकुलेशन मेथड को जानिए, ओवुलेशन किट कैसे यूज़ करते हैं जो आपको मार्केट में बहुत इजीली मिलता है, उसको समझना इंपॉर्टेंट है। उसके वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, इस चैनल के वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या पूजा घर संसार के चैनल के वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको काफ़ी ओवुलेशन सिम्टम्स बेस्ड वीडियो मिल जाएंगे। तो आई डेली होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल थी। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, वो पढ़ के मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इमीडिएट में क्वेश्चंस के आंसर देने की भी कोशिश करती हूँ, या फिर सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि हर इनफर्टिलिटी फेस कर रहे कपल्स तक वीडियो पहुँचनी चाहिए, बिकॉज उनको थोड़ी हेल्प मिल जाए। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर करें, उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके एक लाइक से। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना पूरा ध्यान रखें, टेक केयर गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।